आज हम बनाएंगे घी बनाते समय बचे हुए मावा से या फिर इसका जो खुरचन होता है उससे बहुत ही टेस्टी और मुंह में घुलने वाली बर्फी की रेसिपी फ्रेंड। तो जब हम घी बनाएंगे ना तो इस मावे को हम बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, तो जब वो लाइट पिंक कलर का होगा ना तभी हम घी को छान लेंगे और मावा को अलग कर लेंगे। यदि बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा ना तो उसका टेस्ट थोड़ा कड़वा हो जाता है। अब मैं उसी कढ़ाई का यूज़ कर रही हूँ जिसमें हमने घी बनाया, तो उसमें थोड़ा बहुत घी बचा है उसी में डालेंगे आधा कप आटा, गेहूं का आटा है। इसे हम अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेंगे लो फ्लेम पे, और ब्राउन होने के बाद उसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और जो मावा हमारा बच गया था उसमें से घी हमने अच्छे से निकाल दिया है। इसमें डालेंगे आधा कप दूध और 2 मिनट के लिए इसे हम पका लेंगे। इससे क्या होता है मावा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद डालेंगे इसमें आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट या नारियल का बुरादा और थोड़ा सा इलायची पाउडर, और यहाँ पर आधा कप दूध मैंने और ले लिया, तो टोटल 1 कप दूध का यूज करेंगे फ्रेंड्स। उसको मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे 3/4 कप गुड़। गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे, गुड़ की जगह आप चीनी भी ले सकते हैं। उसके बाद इसमें डालेंगे भुना हुआ आटा और इसके साथ हम इसे लगभग 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक कि ये इस तरह से कढ़ाई ना छोड़ने लगे। जैसे ये कढ़ाई छोड़ने लगेगा वैसे हम ट्रे या फिर प्लेट में रख के इसको अच्छे से फैला लेंगे। उसके ऊपर से आप कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लें और अच्छे से दबा लें। 1 घंटा छोड़ देंगे सेट होने के लिए। उसके बाद ये लीजिए हमारा बहुत ही टेस्टी माउथ मेल्टिंग बर्फी बनके तैयार है फ्रेंड्स। इस मिठाई के सामने सारी मिठाई फेल है, तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।